हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया हो? सब हेल्दी रहो, हैप्पी रहो। आपने ऐसे तो मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जो भी मैं बनाती हूँ यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे। जो लोग भी मुझे जानते हैं उनको पता है, बट ये जो वीडियो आज अभी मैं बना रही हूँ, इसके बाद मैं इसको अपलोड करूँगी, आप सब लोग देखेंगे। ये एक्चुअली मैं अपनी पर्सनल लाइफ पे बना रही हूँ। मेरी लाइफ कैसी रही अभी तक, जो चीजें, जो स्ट्रगल्स मैंने देखी, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर, क्योंकि ऐसे ना बहुत दिमाग में ना बहुत कुछ चलता रहता है, तो कोई है नहीं जिससे मैं शेयर कर सकूँ। सो मेरी सिस्टर है, उन्होंने मुझे बोला कि तुझे अपनी बात रखनी चाहिए, सबके साथ शेयर करनी चाहिए, तेरे पास ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो आप लोगों को वो कैसे लगेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ वो सारे चीजें, जो सारी फेसेस मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, अभी कुछ साल पहले, 2 ढाई साल करीब पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मेरी स्पाइन जो है फ्रैक्चर हुई। इट वाज अ कार एक्सीडेंट। तो मेरी स्पाइन फ्रैक्चर हुई, उसके बाद मैं हॉस्पिटल में थी 6 मंथ्स, 6 6 साढ़े 6 महीने बाद मैं डिस्चार्ज हुई। एंड वो जर्नी भी आप लोगों से शेयर करनी है, मुझे कैसे एक्सीडेंट हुआ एंड फिर हॉस्पिटल में क्या हुआ, एंड वो सारा सब चीजें, जो सफर, जो पेन, जो भी था, जो भी छोटा मोटा जो भी मैंने फेस किया, मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मैं वेंटिलेटर पे थी एंड मेरा स्पाइन फ्रैक्चर हुआ, तो उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ एंड देन मैं चल नहीं सकती, आई एम पैरालाइज्ड काइंड ऑफ। तो उसके बाद कभी चली नहीं मैं आज तक। सो बहुत सारी डिटेल्स भी हैं स्पाइन कॉर्ड इंजरी के बारे में जो मुझे आपसे शेयर करनी है। एंड उसके इंजरी के बाद जो चीजें हर कोई, मतलब जो जिसको स्पाइन इंजरी होती है वो जो लोग फेस करते हैं, आई डोंट नो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इवन कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि स्पाइन फ्रैक्चर, एक्चुअली मेरा कोई कभी थॉट आया ही नहीं कि अचानक से, अगर आपकी लाइफ नॉर्मल जा रही है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है एंड आपकी मैरिज भी फिक्स ऑलमोस्ट हो चुकी है, 1 साल बाद आपकी शादी भी होने वाली है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, आप अपना नॉर्मल ऑफिस जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, अपना लाइफ इंजॉय भी कर रहे हो, एंड देन यू हैव टू गेट मैरिड आफ्टर 1 1.5 ईयर्स। सो अचानक से आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज आ जाता है जिससे, जिसको कह सकते हैं कि जिसको फेस करने के बारे में आपने कभी शायद ड्रीम भी नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कोई फेस आएगा आपकी लाइफ में। आप उसके लिए ना प्रिपेयर होते हो, ना आपने कभी इमेजिन किया होता है कि कुछ ऐसा हो जाएगा अचानक, एंड लाइफ है, इट हैपेंड। तो ऐसा हुआ मेरे साथ, मेरा ये जो एक्सीडेंट था, मैं बिल्कुल, कोई आइडिया नहीं था, ऑब्वियस सी बात है एक्सीडेंट का किसी को आइडिया कहाँ ही होता है। तो नॉर्मल डे था, मैं ऑफिस से अपने रूम पे जा रही थी एंड देन कार डिवाइडर से हिट हुई। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता, आई वाज ब्लैंक। आफ्टर 2 डेज मुझे, मैं थोड़े सा होश में आई हूँ। मेरे को 2 दिन तक कुछ भी नहीं पता था क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मैंने मुझे इवन कि मुझे उसकी मेमोरी भी याद नहीं है कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ। बाकी जब सबने बताया कि कैसे हुआ, तो पता लगा कि ओके, ये हुआ है, ये चीज हुई है, कार डिवाइडर से हिट हुई है एंड देन मेरी स्पाइन फ्रैक्चर हो गई। तो उसके साथ साथ मेरा फेस भी फट गया था, यहाँ से 7 8 स्टिचेस यहाँ पे भी आई। सो ऐसी ऐसी चीजें हुई काफी। मैं बहुत आप लोगों को डिटेलिंग में ये सब चीजें बताना चाहती हूँ। आई डोंट नो ये वीडियो मैं कितनी लंबी बना पाऊंगी, बट आने वाली वीडियोस जो भी मेरी होंगी वो मुझसे और मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होंगी। जैसे कि जो मैंने अभी आपको बताया मेरे एक्सीडेंट के बारे में, उससे पहले मेरी लाइफ कैसी थी, मैंने अपनी लाइफ में कौन से हैप्पी मोमेंट्स और कौन से सैड मोमेंट्स शेयर करूंगी मैं आपके साथ, मैंने कौन कौन सी चीजें अपनी लाइफ में देखी वो भी आप लोगों को बताऊंगी। एंड एक्सीडेंट के बाद जब मैं घर आई, घर उसके बाद लाइफ कैसी रही वो भी बताऊंगी आपको। ऐसा नहीं कि स्ट्रगल्स खत्म हो चुके हैं, स्ट्रगल्स खत्म नहीं हुए, अभी तक स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, और आई डोंट नो कि कब एंड होगा इसका। बहुत सारे फेजेस ऐसे हैं, लोग
उन लोगों ने बहुत हेल्प की, बहुत सब लोगों ने मेरे साथ जुड़े, जो मेरे अपने थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, बहुत हेल्प करी उन्होंने। और उनसे ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे छोड़ दिया, काइंड ऑफ। मैं अपने वर्ड्स को थोड़ा सा हार्श करना पसंद करूंगी इस टाइम पे, बिकॉज मैं उन लोगों से बहुत चीजें एक्सपेक्ट नहीं करती थी। और क्योंकि यही है, एक्सपेक्टेशंस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं और फिर जो वो नहीं कर पाते हैं तो फिर हमको अफसोस होता है, बिकॉज क्योंकि हमने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। बट वो मेरे अपने थे, मैंने कहीं कहीं मैंने उन्हें अपना टाइम, सब कुछ, सब चीजें मैं उनसे शेयर करी। बट फिर मुझे लगा कि शायद वो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, बट उन्होंने एट द मोमेंट, कुछ लोगों ने उन्हीं उस टाइम मुझे, इवन कि मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी होने नहीं दिया, बट उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया था अलग होने का। तो वो अलग हो गए, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, दे ऑल आर इन्वॉल्व, वो सभी लोग इन्वॉल्व थे। उनकी वजह से जो मेंटल ट्रॉमा हुआ मुझे, मैंने बहुत सारी चीजें किसी से शेयर नहीं करी। और आई फील कि मुझे आप लोगों से शायद शेयर करनी चाहिए, मे बी शायद मेरा ही मन हल्का हो जाएगा। पता नहीं आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी, मेरी मेरी स्टोरी जो मैंने बहुत हिम्मत करके मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं कभी चाहती नहीं थी मैं ऐसे सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे अपनी वीडियोस वगैरह बनाऊँ, मुझे ऐसा कुछ इंटरेस्ट था नहीं। और वैसे भी मैं काफ़ी कैमरा कॉन्शियस हूँ, मुझे कैमरा ऑन करते कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ, मैं एकदम ब्लैंक हो जाती हूँ। और फिर जब अपनी कहानी की बात है तो मैं सच में अभी भी, मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ। और दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, लाइफ में इतना कुछ हो गया, एक्सीडेंट के बाद इतना कुछ हो गया, उससे पहले तो ऑलरेडी था ही मैं सब, बट ठीक है, लाइफ नॉर्मल थी, जैसे तैसे करके हम लोग चला लेते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली काइंड, तो चला लेती है वो। बट उसके बाद आपके लाइफ में कैसा ऐसा ऐसा टाइम आता है जब जब आप फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रांग नहीं हो, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, आई डोंट हैव एनी ब्रदर, मेरी एक सिस्टर है मुझसे छोटी है, मे बी आप लोगों ने देखा होगा उसको वीडियोज वगैरह में इंस्टाग्राम पे मेरे साथ। तो मेरे फ्रेंड्स जो मुझे जानते हैं उनको पता है इस इंसिडेंट के बारे में, मे बी ये वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंचे जिनको नहीं पता हो। और बहुत लोग मुझे बोल बोल भी रहे थे कि तुझे अपनी स्टोरी शेयर करनी चाहिए सबके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जैसे अपनी स्टोरी बताते हो किसी को, मे बी आगे वाले के लिए वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट फिर भी अगर कोई सुन रहा है तो इट्स काइंड ऑफ कि आपका हार्ट जो है काफी लाइट हो जाता है, जो बर्डन होता है आपके हार्ट में किसी को बताने से वो हल्का हो जाता है। तो आई फील कि मेरे पास तो कोई है नहीं जिससे, क्योंकि मेरे मेरे दोस्त जो है, मेरे फ्रेंड्स जो हैं, वो काफी दूर दूर है और सब अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि आजकल वैसे भी किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि किसी और के लिए इतना टाइम निकाले, उसकी बकवास सुने एंड ऑल। बट ठीक है, बहुत हैं भी जो सुन भी लेते हैं, बट यूजुअली मैं पूरा दिन अकेली रहती हूँ घर पे। मॉम डैड होते हैं साथ में, मम्मी पापा और मेरी सिस्टर भी है, बट वही है कि आपकी लाइफ की स्ट्रगल तो सिर्फ आप ही जानते हो, आपके मन में क्या चल रहा है, और जो दिख रहा है सबको वही समझ में आ रहा है, बट जो मन में है वो तो नहीं आता समझ, वो तो कैसे जब आप तक बोलोगे, इवन कि आप बोल भी दो कि चीजें लाइफ की स्ट्रगल, बट उतना कोई नहीं समझ पाएगा, उतना कोई फील नहीं कर पाएगा जितना आप खुद फील कर सकते हो। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने थ्रू आपको बता पाऊं कि फीलिंग्स के बारे में, जो मैंने फील किया है, जो मैंने फेस किया है, जो मैंने सीखा है अपनी लाइफ से अभी तक, अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स के बाद मैंने जो सीखा है वो भी आपसे शेयर करूंगी। एंड क्या बोलूं यार, अगर कुछ अच्छा लगा, अच्छा तो क्या ही लगेगा मेरी वीडियोस में, बाकी मुझे नहीं पता अभी, मे बी मैं अभी और भी दो तीन वीडियोस बनाऊं अपनी एक्सीडेंट से रिलेटेड, तो मैं इसी में वो अटैच करूंगी। मे बी अगर ये कंटिन्यू होगी वीडियो तो इसी में अटैच होगी, अदरवाइज फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं एक्सीडेंट के बारे में कुछ बताना चाहूंगी आपको कि कैसे हुआ था, एंड देन मैं हॉस्पिटल में थी, क्या हुआ, और उससे पहले की बातें भी, जो मेरी लाइफ रही है, कैसी रही है मेरी लाइफ, एंड अचानक से आपकी लाइफ इतनी अप एंड डाउन चेंज हो जाती है, कैसा फील है वो, कितना बड़ा पेन है। आप वैसे तो सबके अपने अपने पेन, सबके लिए एक बैटल है, एक हार्ड है, बट ठीक है, मेरा भी एक छोटा सा पेन आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और अभी जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगी वो भी इसी से रिलेटेड होंगी। सो
ऐसा नहीं है कि मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं या सब्सक्राइबर्स चाहिए मेरे को, ऐसा कुछ नहीं है. मैं बस इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है आप लोगों से ये चीजें शेयर करने का. और मैं सबको भी यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपका मन जो करने को कहता है, अगर वो सही है, उसमें किसी के बारे में गलत नहीं है या किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है किसी को उस चीज से, तो आप डेफिनेटली वो चीज करो. ठीक है, आपको ऐसा अपने मन को मानने की जरूरत नहीं है. इफ यू फील ओके फॉर दैट एंड जस्ट डू इट. ठीक है, बट हाँ ये ध्यान रखना कि उसमें किसी किसी को प्रॉब्लम ना हो, किसी को किसी को हार्म ना हो. तो वो सब चीजें आप कर सकते हो. अभी अभी ये छोटी सी चीज है, मैं तो बस अकेली बैठी हूँ घर में, तो मैंने सोचा मैं वीडियोस बना दूँ, आप लोगों से बातें करूँ, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है. सो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ अगर आपको अच्छी लगी. अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूँ तो मैं पक्का करूंगी कंटिन्यू. अगर आप नहीं चाहते हो तो डेफिनेटली मैं नहीं करने वाली कंटिन्यू यार, बिकॉज आई एम वेरी स्कैड. मैं सच में मैं खुद ही इतनी डरी हुई हूँ कि मैं क्या ही शेयर करूँ यार, क्या ही बताऊँ. बताने को भी बहुत कुछ है, कहीं पता नहीं कैसा लगेगा, पता नहीं. बस मैंने आज तो मैंने पता नहीं कैसे करके ये वीडियो बना दी, मुझे खुद भी नहीं पता. बस मेरी बहन ने मुझे फोर्स किया कि बनाना है तेरे को, बना बना. तो इतनी सारी स्ट्रगल, मैंने अपनी बहन को, मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मैंने कहा तू बना लेना यार, तू मतलब तू बता ले मेरी स्टोरी में, क्या ही बताऊं यार किसी को. तो उसने कहा कि यार लाइफ में जो चीजें तूने फेस करी हैं, तो वो चीज शायद तू ही उनको अच्छे से समझा एक्सप्लेन कर सकती है. तुझे किसी को समझाना नहीं है, जस्ट बोल बस जो भी तेरे को है मन में, तू अपनी स्टोरी अच्छे से बता सकती. कोई और तेरी स्टोरी क्या बताएगा, जो पेन या जो स्ट्रगल तूने फेस किया है तू खुद बताऊ. सो आई रियलाइज की ठीक है, वो भी सही कह रही है, मुझे ट्राई करना चाहिए. सो हेवी को मैंने बना ली वीडियो आज की. सो कमेंट करना मत भूलना प्लीज, एंड कमेंट जरूर करना. मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, मे बी इसके आगे भी कंटिन्यू हो सकता है, बट स्टिल मिलते हैं आपके आपसे नेक्स्ट वीडियो में. सो टेक केयर, अपना ध्यान रखो. और क्या करोगे भाई, मतलब ध्यान रखो अपना, अच्छे से खाओ पियो, खुश रहो, और मेरी वीडियोस पूरी देखना. ओके, और कुछ भी फील करो मेरी वीडियो देख के, कुछ भी सजेशन देना हो, बैड कमेंट्स करना है वो भी कर दो यार, कोई बात नहीं. इट्स ओके. सो अपना फीडबैक रिव्यू जरूर देना कमेंट्स में, एंड टेक केयर, बाय.